जी भाई बोलिए कबीरा साहब। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। आदाब, क्या हाल चाल? मैं, मेरा नाम कबीरा भाई। बहुत अच्छा, एक मिनट जरा कबीरा भाई। आप सनातनी भाई? जी सर, जी सर, मैं सनातनी भाई। साहिल खान कौन है? साहिल खान? जी साहिल खान, एक्चुअली मैंने आईडी बनाया था साहिल खान का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मुस्लिम स्कॉलर थे वो मुझे बार बार आउट कर देते थे, हालांकि उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था। अच्छा, तो इस वजह से मैं नाम बदल के घुसा था उसमें। तो वही मैं कहूँ, नमस्कार कर रहे हैं, आईडी साहिल खान की है, चक्कर क्या है ये? तो आप सनातनी हो के मुसलमान हो? सर मैं सनातनी हूँ। तो आपका ओरिजिनल नाम कबीरा है, साहिल खान नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ओरिजिनल नाम हुआ कबीरा सिन्हा। कबीरा सिन्हा, चलो ठीक है। बहरहाल जी सर, ये स्क्रीन, जी सर, अगर क्योंकि पब्लिक की अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें जरा, ये साहिल खान आईडी है, ये मुसलमान की आईडी बनाई हुई है, हिंदू है, ठीक है। तो ये जा सके कि कमेंट के अंदर मैं मुसलमान बन के या कुछ भी कर दूं, लगे ये कि जैसे मुसलमान है। जी आगे चलें जी। कबीरा साहब बोलिए, आपके इलाके में गालिबन क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, पटाखों की आवाज तो आती रहती है सर, वो तो मैं उस पे बिलीव नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं अपना सेलिब्रेशन करता रहता हूँ। तो हालांकि मेरा सवाल जो है इन सबसे काफी हटके था सर। जी हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो करता ही हूँ सर, और मुझे बिल्कुल सही तो लगता आपको है, सही लगती है ना? आपको सही लगती है, इसीलिए करते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, हम करते नहीं है, वरना हम भी कर रहे होते तो इसका मतलब ये कि हमें गलत लगती है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल वाज़ह है, इसका जवाब, प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसको आप सामने रखिए, उसको बताएं। जी मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है तो उसका रीजन क्या है? नहीं, उसमें कमी नहीं है, वही कमी है, दोनों में फर्क है। एक तो एक को कुछ कमी है, इसका मतलब ठीक है, लेकिन मसलन गिलास वह पूरा फुल नहीं है, पानी कम है, लेकिन प्यास फिर भी बुझा देगा। और एक एक गिलास खाली हो, अब आप करते रहे गिलास लगाए मुंह में, पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। तो मूर्ति पूजा में कमी नहीं है, मूर्ति पूजा ही कमी है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आप जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं वो मूर्तियां किसकी हैं? वो मूर्तियां मिट्टी की हैं या मतलब पत्थरों की हैं? चले ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर की है, मैंने हालांकि मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था, मेरे सवाल का मकसद ये था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो किसकी तस्वीरें हैं? वो तो सर मतलब भगवान की तस्वीरें हैं। कौन भगवान? भगवान जो हमारे मतलब भगवान है, जो हमारे मतलब गॉड है, उनका तस्वीर है, जिनका दो प्रकार का आकार होता है, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण। ठीक ठीक, ओके। तो उनका दो प्रकार का आकार होता है, सगुन और निर्गुण, ठीक है। तो ये आपका जो है आकार है जो सगुन वाला है। तो जिस भगवान ने आपकी, जिस भगवान ने इंसानियत को पैदा किया है, ये उसकी तस्वीर है, राइट? उसी की तस्वीर है। आपने देखा उस भगवान को जिसने इस कायनात को पैदा किया, ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? सर भगवान को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा उनको, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से भगवान थे, जो उनका सगुन आकार था वो इस प्रकार से था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो भगवान है वो निराकार नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ये कब बोला, मैंने बोला वो दोनों है, वो सगुन तस्वीर भी है, तस्वीर तो जब ही बनी है ना। सर देखिए एक्चुअली में क्या है कि भगवान अच्छा और फिर ये भी है कि तस्वीरें तो अलग अलग हैं। जी सर, कहीं गणेश की तस्वीर है तो कहीं कृष्ण जी की तस्वीर है तो कहीं राम जी की तस्वीर है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, तो भगवान तो एक है, तस्वीरें उसकी इतनी सारी क्यों है?
ये जो मतलब प्रोपेगेंडा फैल रहा है सर, पहला जो यजुर्वेद का 32:3 रेशियो में कि न तस्य प्रतिमास्ति, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ये, इसको बिना जाने हुए बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो है एक मतलब गुमराही के रास्ते में भेज रहे हैं हिंदुओं भाइयों को या मुस्लिम भाइयों को भी। अच्छा तो इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर, इसका एक्चुअली जी में मीनिंग ये होता है सर कि जो हम लोग नतस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब हुआ कि उनकी जो है वास्तविक में तुलना नहीं है, वो पानी भी हो सकते हैं, वो मिट्टी भी, हर रूप में वो आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उनका विग्रह होता है, विग्रह विग्रह का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति बनाते हैं, जो उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग पूजा याचना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हम अच्छा, लोग कंसंट्रेशन है। आप ये मान के जी चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, मर सकते हैं? सर भगवान जो है अगर धरती पर अवतरित होते हैं तो अगर बिल्कुल मरते हैं, राम जी की मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण भगवान अच्छा की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो इंसान जन्म में आए थे कुदरत अच्छा जब के। यस सर। जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला रहा था? सर भगवान नहीं थे वो, एक्चुअली भगवान के अवतार थे, ठीक है, उनको भी भगवान ही माना जाएगा, तो भगवान नहीं, के अवतार थे। तो अवतार भगवान थे या भगवान से अलग थे? भगवान के अंश थे सर, जैसे कि सूरज और सूरज का रोशनी दोनों मतलब एक ही जिस चीज से जुड़ा हुआ है, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। अब ठीक है, तो सूरज ये क्या ये सूरज की मुमकिन रोशनी है, को क्या ये किसी, मुमकिन है कि सूरज मौजूद हो और उसकी रोशनी खत्म हो जाए? सर ये भी तो मुमकिन नहीं है सर कि सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज गायब हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि राम जी कभी मरे नहीं, फिर आप ये मानो? राम जी को तो आप मरा हुआ मान रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं राम मरा जी हुआ मरे नहीं थे। माना, मैं ये बोल रहा था सर कि वो जब भाई संसार आपकी में लॉजिक मतलब आपके सर, आपने कहा कि राम जी मर गए थे और आपने उनको उसकी मिसाल दी सूरज की रोशनी की, तो जब सूरज मौजूद है तो उसकी रोशनी रहेगी, चाहे जहां भी सूरज हो उसकी रोशनी वहां रहेगी। बिल्कुल सर तो अगर भगवान बिल्कुल मौजूद सर है तो उसके अवतार को भी हमेशा रहना चाहिए थे, जबकि उसके अवतार को आपने ये कहा कि वो मर गए। अवतार, क्योंकि इंसानी मतलब इस मृत्यु लोक में आए थे सर ना सर, तो मृत्यु लोक में आने से क्या हुआ कि उनको इंसान का रूप लेना पड़ा, तो इंसान का रूप लिया तो इंसान का जैसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने साल जीता है इंसान उतने साल जिया उसी युग में। जैसे द्वापर युग में वो आए थे तो 10,000 मान लीजिए 10,000 साल किसी इंसान की आयु होती है, तो उस हिसाब से वो मैं जिया आपसे अपना। सिंपल, मैंने सवाल किया, सिंपल मैंने आपसे जी सर, सवाल किया कि भगवान मर सकते हैं? आपकी इस लॉजिक के मुताबिक भगवान मर नहीं सकते, नहीं सर तो भगवान कम मर नहीं सकते हैं मर अभी आपने कहा, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो मर सकते हैं। सर। मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म में रखा जाए यहाँ पे, कि वो भगवान मतलब जो है अवतार रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो इंसानी रूप में है, वो देखिए इसलिए भाई, उनको वो अपना कार्यकाल पूरा करके मैं जाना पड़ा। आपसे सिंपली एक चीज कहता हूं, एक जी चीज, सर, बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरेशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूं, आप अगर किसी एक जात को तस्लीम करते हैं, एक एंटिटी को, कि जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम ना चाहें, तो हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे, हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है, हाँ, मुझे मालूम था तो आप यही वहां पर सवाल उनकी करेंगे, मूर्ति पूजा है? मुझे मालूम था आप नहीं नहीं यही सर, सवाल करेंगे, या ये सवाल आपका नया नहीं है, और इस सवाल का नहीं जवाब मैं हमने जानता हूँ। हजारों मरतबा दिया, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। अगर अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना, हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते। सर पर मस्जिद में हम लोग अच्छा, एक डायरेक्शन तो चीज, सेम रख रहे हैं ना, एक चीज, हाँ, डायरेक्शन अलग है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसका इसका डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए है। उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको, मान लीजिए वो काला कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे।
और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे? ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। ये फर्क मेरे और आपके दरमियान है। मैं इनसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। कबीरा साहब हां जी, अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया, कुरान में दो आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह कहते हैं बाइना मातबु फसम्मा वजह अल्लाह, जहां भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वो नहीं लिखा फलियाबुदु हाज़ल बैत, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत कर, जिससे भी पता चलता है कि हम इसकी बात नहीं करते। अब मैं अच्छा, मुझे डायरेक्शन आमिर भाई एक मिनट कबीरा साहब एक मिनट बस एक सवाल और कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना अगर आप उनका उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूँ सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मरतबा भी नाम नहीं लेते। हम नमाज शुरू करते हैं, हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर से और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का, सर काबे का कहीं जिक्र नहीं। आपका एक होता है ना सर पश्चिम, अच्छा मैं कबीरा भाई और वहीं पर जाके पत्थरों को चूमना, कबीरा भाई ये चीज कबीरा भाई मुझे, हां कबीरा भाई मैं समझाता हूं, वो समझाते हैं, वो बहुत दूर चले गए हैं। अच्छा, हम आपको आपके घर समझा देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपने एक बात कही, आपने कहा हाँ ठीक है, आपने कहा कि यजुर्वेद का जो 32वां अध्याय पेश करते हैं तीसरा मंत्र है कि जी नतसे, तो उसको मुसलमान गलत चीज पेश करके कहते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना आपने कहा? बिल्कुल सही बात। अब स्क्रीन के ऊपर मैं यजुर्वेद का 32वां अध्याय और तीसरा मंत्र पेश कर रहा हूँ और ये मुसलमानों की कमेंट्री नहीं है, स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे बताना। अभी नहीं आया, अभी लोड होगा थोड़ा सा शायद, एक मिनट का, क्योंकि स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए थोड़ा होता है। एक मिनट आ जाता है। तो मैं इनको ना जरा, ये हम पे तो कहते हैं ना कि जी आप पेश करते हैं तो वो, हाँ आ गया जी, नहीं आ रहा, नहीं आया मेरा, पूरा पड़ा हुआ अभी तो नहीं आया है। आप मेरे ख्याल से वो इतने आएगा, आप अपना कोड कर दें, मेरे मुंह पे है सर, बोलिए तो आप, मैं बोल देता हूँ मुंह से। आ गया, अब आ गया ना जी, हाँ ठीक है, आ गया जी। अच्छा अब ये देखें, ये यजुर्वेद है, ट्रांसलेशन किसका है सर ये बताइए पहले, संस्कृत टेक्स्ट निकालिए इसका। मैं बताता हूँ, मुसलमान का नहीं है ये, मैं आपको बताता हूँ कि सुन ले, तो कोई नहीं, मुसलमान से मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब तो मुझे गद्दार हिंदुओं से है, मुसलमान से मुझे कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, ओहो मैं बताता हूँ, ठहर के यजुर्वेद अध्याय 32 आई आपके सामने, इसका मंत्र तीसरा है, संस्कृत भी आपके सामने आ गई। अब आपको ले जाते हैं हिंदी के अंदर, किसने भावार्थ लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के बानी है, सनातन सर, वो आर्य समाज और हिंदू समाज में बहुत अंतर है सर, पहले पता कर लो, बहुत अंतर है। तो वो स्वामी आर्य समाजियों को हिंदू नहीं मानते? मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल नहीं सर, हमारे यहाँ जो अकादमी मरता है उनको 13 दिन में अंतिम संस्कार होता है, आप उनको 3 दिन में करवाते हैं, आप उनको काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता उनको, बाकी लोग क्या काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता। आप उनको काफिर मानते हैं? जो भी सर, अब जो भी वर्ड देना है सर दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता उनको। देना सर सीधे क्यों मानूं? कबीरा भाई उनका क्यों मानूं? ये खोलने का मतलब ही नहीं रहेगा, खोलने का मतलब ही नहीं रहेगा ना सर, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। आप हुआ, आप ऐसे चिढ़ गए जैसे मैंने सुई चुभोई है आपको, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया? आप तो अभी कह रहे थे मुसलमान, अभी सनातनी, मैं चिढ़ा भी चिढ़ा है, आपने चिढ़ा नहीं हूं मैं सर, मैं चिढ़ा नहीं हूं। आप एक अभी आप आदमी को कबीरा भाई देवता की पूजा करवाओगे? कबीरा भाई अभी आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह कर दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह किया है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ, तो इसलिए आमिर भाई ने ये ट्रांसलेशन सिखाया जो एक मुसलमान का नहीं है।
देखें सारे मुस्लिम मैं को मैं नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं कुछ स्कॉलर जैसे जैसे आपके जाकिर नायक साहब हो गए, ये सब को मैं टारगेट किया हूँ। ये बंदा बोलने क्यों नहीं दे रहे? चले एक मिनट कबीरा भाई, एक मिनट कबीरा भाई, एक बात सुनिए, आप अपना इख्तलाफ दर्ज करा दीजिएगा, लेकिन आमिर भाई को पढ़ने दें, फिर आप कह दीजिएगा मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ये हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा, जो कभी क्या होता हो मनुष्य, जो कभी भावार्थ क्या लिखा है, ये जूम कर दे तो आपके लिए। हे मनुष्य, चलिए, जो कभी तुम हिंदी का भावार्थ ही लिखा हुआ है सर, जो कभी देहधारी होता है, ऐसा भी तो बोलते नहीं होता, होता है ये तो होता है। स्वामी दयानंद सर देहधारी होता है यार, ये सुनते क्यों नहीं बताइए, सुनता क्यों नहीं है ना, मैं क्यों मानूं, ये सुनता क्यों नहीं? आप मत मानना, आप पढ़ तो लो, आप पढ़ लो, कहो तो मैं नहीं मानता। मुझे तो इस पे हैरानी आ रही है, इस बंदे को हो क्या गया, मैंने हिंदी खोली है, इस बंदे को मिर्चे लगने शुरू हो गए, ये सुन ही नहीं रहा। वैसे तो मैं गूगल में बहुत सारी चीज ट्रांसलेट करके वो आपको दिखा दूं यार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्यों पढ़ तो लो भाई, वो एक आर्य समाजी थे, आर्य समाजी लोग काफी अलग है आर्य समाज। यार ये क्या बंदा है, ये क्या लिखा है, होता है लिखा है, ये क्या बीच में, ये क्यों आया वर्ड, जो कभी दोहधारी नहीं होता, ठीक हो गया, आ गया, ये क्या लिखा है, जो ये क्या लिखा है, जो नहीं क्या होता, मरता, जो नहीं मरता, ये देखो ठीक है ना, ठीक है होता, आगे देखो, ये ना नष्ट होता, उसी की उपासना निरंतर करे, क्या है, निरंतर करो। अच्छा मुझे ये बताइए सर, सी की उपासना निरंतर करे, निरंतर नष्ट नहीं होता, जो मरता नहीं, जो ना तोड़ दी हिंदी और संस्कृत की, चलिए कोई बात नहीं, तोड़ दी ना, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे, चलिए मैं तो इतनी मौत पड़ गई है, पढ़ नहीं रहे, एक उस बंदे को नहीं खोल के पढ़नी पड़ रही है, सुनो, उस बंदे को पढ़नी पड़ रही है जो हिंदी नहीं पढ़ा कभी भी, हिंदी नहीं पढ़ा कभी, ज्ञान देने से बढ़िया कि कुछ ना ज्ञान दिया जाए, अब कुछ ना तो तुम सही कर दो, कोई ज्ञान ना दिया जाए, तुम सही कर दो, ये स्वामी दयानंद ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, चलो स्वामी दयानंद ने, चलो अब संस्कृत वाला टेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, स्वामी दयानंद सरस्वती को आप काफिर बोलते हैं क्या, पहले मुझे तो इसका जवाब दीजिए, जब आप हिंदू नहीं मानते तो क्या मानते हो, काफिर मानते हो, वो आर्य समाज है ना सर, तो आर्य समाजों का और हिंदू का जो कल्चर होता है सर काफी अलग अलग है, तो मैं नहीं, आप उनको हिंदू नहीं मान रहे या हिंदू मान रहे हो? नहीं हिंदू नहीं मान रहा मैं, हिंदू नहीं मान रहे तो क्या मान रहे हो, काफिर मान रहे हो, मलीच मान रहे हो, नास्तिक मान रहे हो, क्या मान रहे हो, मतलब अपने में से नहीं मान रहा उनको मैं, हिंदू नहीं मान रहा हूँ, यानी आप एक अलग रिलीजन मान रहे हो, नास्तिक मान रहे हो, नास्तिक में नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो, वो नास्तिक है, यानी वो खुदा को नहीं मानते, नास्तिक है वो, नास्तिक प्रवृत्ति के, लो भाई, यानी वो खुदा को नहीं मानते, यानी ये देखे एक मिनट वो ये कह रहा है, सामने लिखा है कि खुदा कैसा होता है, उपासना, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो दो धारी नहीं है, जो नष्ट नहीं होता, जो मरता नहीं है, और ये कह रहे हैं वो नास्तिक है, बहुत सारे स्कॉलर हैं सर, मैं आपको अच्छा एक मिनट जब आप उनको अपने में से नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, तो आप उनको सुन लीजिए, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, वो डिनायर हैं या नहीं है, अच्छा आपके आपके मजहब के डिनायर हैं नहीं है, तो बहुत जगह खंडन किया उन्होंने, तो मैं मतलब उनको नहीं मानता, आप उनको डिनायर मानते हो अपने मजहब का या नहीं मानते हो? मैं उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं ज्यादा, क्या बोलूं मैं, अरे इतना तो सोच लिया कि वो आप ये तो तस्लीम कर रहे हो ना, आप ये तो तस्लीम कर रहे हो कि उन्होंने आपके रिलीजन आपके धर्म का डिनाई किया है, मूर्ति पूजा को कंडेम किया है उन्होंने, मूर्ति पूजा को कंडेम किया है, तो उन्होंने आपके धर्म को डिनाई किया है, तो डिनायर हुए या नहीं हुए? तो बस एक चीज का डिनायर कर देने से सारा डिनायर कैसे कर दूं मैं उसको, मैं अभी भाई एक आदमी अगर एक चीज का डिनायर एक चीज को डिनाई करेगा तो वो भी डिनायर है, डिनाई करने वाला चाहे एक चीज की करे या सौ चीज की करे, डिनायर हुआ कि नहीं हुआ, अब मुझे बताइए उन्होंने मूर्ति पूजा की डिनाई किया तो वो डिनायर है या नहीं? अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा सर एक बात, मेरे सवाल का सिंपल सा जवाब दे दीजिए कबीरा साहब ताकि हम आगे बढ़े, वो डिनायर थे या नहीं थे? सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई इंसान 100 अच्छे काम करके एक गलत काम करता है तो सारी अच्छाइयां उसकी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना सर? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस एक अच्छा बुराई को ये कहा जाएगा कि ये बुराई करने वाला है, एक बुराई करने वाला, तो आप उनको एक मामले में डिनायर मानते हो या नहीं मानते? सब में
एक मामले में डिनायर मानता हूं मैं, एक मामले में मानते हैं, तो बस उसी को हम अरबी में काफिर कह देते हैं। तो आपने कम से कम एक मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया, उसी को हम अरबी में काफिर कहते हैं, डिनायर को ही काफिर कहते हैं। आपने आपने एक मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया है, और जितने आर्य समाजी हैं वो चूंकि दयानंद सरस्वती को मानते हैं, लिहाजा वो भी आपके साथ आपके इस फतवे की वजह से एक मामले में काफिर हो गए। ठीक है, तो भाई आमिर भाई ये क्लियर हो गया कि हिंदुओं के यहाँ भी कुफर होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा मैं ये स्वामी से बड़े सर की कक्का जी सर, ठीक है भाई, कौन कितना बड़ा चैंपियन है कैसे पता चल जाएगा सर बैठे बैठे। बहरहाल देखें एक बात सुनिए, आपने हम पर इल्जाम लगाया मूर्ति पूजा का, हमने उसका जवाब दे दिया। हमने आपको ये कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो, जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचते? क्या मसला है कि आपको वास्ते चाहिए, आपको लिंक चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, मैं ये बताना, हम तो डायरेक्ट पहुंचते हैं। सर सर सुनिए तो सर, ये सुन तो लीजिए सर बात को। आप किसी कंपनी में जाके सीईओ से मिलना है तो पहले आप चपरासी को मिलोगे, पहले गेटकीपर को मिलोगे, डायरेक्ट आप जाके सीईओ को, सीईओ से नहीं हाथ मिलाने लग जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है ठीक है सही है, मैं इसी लॉजिक को लेता हूँ, मैं इसी लॉजिक को लेता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, आप जा रहे हैं, आप पहले चपरासी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मुझे सीईओ से मिला दो, वो क्लर्क को, वो चीफ क्लर्क को, फाइनली आप सीईओ तक पहुंचे। मैं गया और मैं सीधा सीईओ के ऑफिस में घुस के हाथ मिला रहा हूँ, मैं बेहतर हुआ आप बेहतर हुए? बताओ कौन बेहतर हुआ? कृष्णा को चपरासी बता रहे हैं, कृष्णा को और श्री राम जी को चपरासी बता रहे हैं भाई। अगर मेरी इम्पोर्टेंस होगी, अगर मेरी इम्पोर्टेंस होगी तो मैं सीधा सीईओ के पास जाऊंगा। अगर मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, अगर मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो मुझे, तो वो आपको रोकेगा, मुझे रोकेगा अगर मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। मेरी इम्पोर्टेंस होगी तो मुझे कोई गेट पे नहीं रोकेगा, सीधा मैं सीईओ के पास जाऊंगा। सर रूल तो सबके लिए रूल होता है सर। अच्छा तो अच्छा अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात, नहीं नहीं नहीं, रूल अलग अलग होते हैं, प्रोटोकॉल हर एक का अलग अलग होता है। जो प्रोटोकॉल आपका है वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का अलग प्रोटोकॉल है। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं, क्या आप अपने इन भगवानों को जिनकी आप पूजा कर रहे हैं चपरासी मानते हैं कंपनी का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको मिसाल कैसे दे रहे हैं? ये मिसाल तो ड्रैगेटोरी है, ये तो आपने ब्लास्फेमी कर दी अपने भगवानों की कि आपने उनको चपरासी मान लिया। ये आपका सोचना है सर, ऐसा मेरे भैया मिसाल दे रहे हो आप, और कह रहे हो हमारा सोचना है, आप उनको बता रहे हो चपरासी और कलर कंपनी का। बोला सर मैंने मूर्तियों के बारे में बोला सर, वो मूर्तियां भैया। अगर मैं आपके अबू की तस्वीर को बोलूं ये चपरासी और चोर है तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, है ना सर? आप इलॉजिकल बात क्यों करते हैं आमिर हक सर? इलॉजिकल, ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। मूर्ति श्री कृष्णा की मूर्ति क्या समझ रहा था, बनाई है श्री कृष्णा की बनाई है ना, ये तो बात लोग इस बात पे देखो, टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। टॉपिक ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है, इस बात में मैं दलील देने आया हूँ बस। इतनी देर से इसी पर बात हो रही है। आप जो इरेशनल बातें कर रहे हैं, कभी आपने भगवानों को चपरासी बना दिया, कभी कुछ बना दिया, यानी यार एक बात बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग लॉजिक सीखते कहां से हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि हम कभी भी इक्वल ग्राउंड, कभी भी हम इक्वल ग्राउंड पर नहीं हो पाते। हम बात कर रहे हैं वो जो सारी दुनिया को समझ में आ रही है, दो और दो चार की तरह बिल्कुल वाजे है। आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही है, दुनिया देख रही है कि आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि लॉजिक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक वाला मैं बात करता हूं सर। जैसे बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है ना सर, तो आजकल जो पढ़ाई का टेक्निक आया है नया, अच्छा मेरी बात सुने, कभी बच्चा कभी चपड़ासी, लॉजिक मुझे इस विज्ञान से ये दुनिया पता। अच्छा मेरी बात सुनो, अपना कबीरा जी सुराख खोलोगे, कबीरा जी मेरा सवाल है, कबीरा जी मेरा सवाल है। हां बोलिए 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 बोलिए। क्या जो लॉजिक आप दे रहे हैं ये लॉजिक वेदों में, क्योंकि ईश्वर की बात है ना, उसकी उपासना सर, मैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करके देता हूँ ना आपको। अब वो क्यों उस ट्रांसलेशन के पीछे पकड़ के रो रहे हैं उसको? ओहो मैं उस ट्रांसलेशन, मुझे कोई भी नहीं आती हिंदी पढ़ने भी नहीं आती, तो क्यों उस पे आप उंगली उठा रहे हो? हिंदी पढ़नी नहीं आती मुझे, तुम्हें आती है ना? पढ़ने आती ना आपको, संस्कृत पढ़ने आती, तो आप क्यों उस पे चैलेंज कर रहे हो? मैं अरबी पे गया आपके, एक मिनट सुनो, मैं आती है ना टेक्स्ट पे गया आपके? ओहो हां, तो तुम्हें आती है ना, मेरे को समझाने दो, आती है ना ऋग्वेद का, को मंत्र दे दो मुझे, क्या बताइए मुझे ऋग्वेद का मंत्र दो जिसमें मूर्ति पूजा हो। चलो तुम्हें आती है तो बताओ, निकालो, चलो दे दूं, दो ऋग्वेद का। देने से फायदा क्या होगा अभी आप, मतलब हिंदुइज्म कबूल करोगे? बोलो अभी, तुम्हें कहते हो मुझे संस्कृत करोगे आप? तुम्हें नहीं आती तो निकालो, मैं दे रहा हूं, मैं बहुत सारे वो दे रहा हूं, क्या आप इस समय मतलब हिंदुइज्म कबूल करोगे? एक दो
एक दो गप्पस्तान, एक दो मैं उसको चेक करूं। अच्छा आप उसको चेक करोगे, ठीक है चलो। ऋग्वेद का मंडल है एक, सूक्त है 21 और मंत्र है एक। एक मंत्र, ऋग मंत्र क्या है? मैं क्यों खोलूं? खोलो स्क्रीन शेयर करो, मैं तो यहाँ खोलूंगा, बताओ जरा। ऋग्वेद का मंडल एक, मंडल एक, एक मंडल, ठीक है अच्छा ऋग्वेद का मंडल एक, ऋग्वेद का आपका मंडल है एक, ओके सूक्त है 21, अच्छा ठीक है वेद एक, सूक्त है 21, ठीक है सूक्त है मंडल एक सूक्त 21। मेरे पास लोड हो रही है क्योंकि मैंने दो चार जगह पे चीजें खोली हुई हैं। सूक्त कौन सा है? 21, ओके 21। हाँ मंत्र बताओ। मंत्रा बताओ। हेलो मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ मंत्रा बताओ, सूक्त 21 है, मंत्रा कौन सा? मंत्रा पहला मंत्र। हाँ बताओ क्या है ये, तो आप ना बताओगे सर, आप खोले हो। अरे चलो मुझे तो, एक मिनट मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती, पंडित साहब तो आप है ना, त्रिवेदी साहब आप बताएं। इसका जो मतलब पहला मंत्र है वो है, क्या आप में क्या आ रहा है ये तो मुझे जानना है ना, चेक करें भाई आप पढ़ के सुना दो ना पहले। इहेंद्राग्नि उम्प हमें तयोर स्त्री, ऐसे करके मंत्र आ रहा है, क्या मंत्र आ रहा है अब बताओ क्या है। दोबारा पढ़े, नहीं मंत्र पढ़े संस्कृत में। हेलो मंत्र पढ़े भाई, मंत्र पढ़े संस्कृत में। पहला मंत्र क्या है सर, आप स्क्रीन पे दिखाओगे तब तो मैं बता पाऊंगा वो सही मंत्र है या नहीं है। ओहो सही मंत्र है, आप आपने पढ़ना है ना, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती, मुझे छोड़ दो आप बताओ। मैं तो तब खोलूंगा जब आप अपना पोल खुद खोल दोगे। मैं कहां से खोलूंगा सर, आप गलत गलत हत्थे आदमी के हत्थे चढ़ गए आप। चलो चलो लो जी ये सही है, चलिए यानी मैं वो लोग कोई और होते हैं सर जो खुद कबूल कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इन्हें द्राग्नि उम्प हम्बे तमियोर स्त्री, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर में हूँ थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ तुम्हारी भी संस्कृत निकल गई है, मुझे तो वैसे ही नहीं ना आती, ये हिंदुओं का हाल है। आगे पढ़ो। चलो ठीक है, मुस्मसी ता सोमा सोम पातमा, ऐसे करके मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र होगा, दिख रहा है आपको है, आगे हाँ उसका हाँ पढ़ो, ठीक है दिख गया मुझे, आगे पढ़ो अर्थ बताओ इसका। इसमें जो मंत्र है इसमें उच्चारण मतलब इसमें जो संदर्भ लिया गया है वो लिया गया है मेघा तिथि, जिसको कानव जिसको देवता इंद्राग्नि बोलते हैं, ठीक है। और ये चंद्र जो है गाय, कितर की आवाज इसकी, आवाज कट गई, आवाज गायब हो गई। बहरहाल मुझे तो एक मकूला अरबी का याद आ गया, ये तर्जमा मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, अनफन फिल्मा इस्तन फिस्समा। नहीं ये तर्जमा आप खुद ही करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सही है, आमिर साहब से करवा लेंगे ना जी। हेलो हाँ भाई कबीरा साहब जल्दी से तर्जुमा करो यार, टाइम नहीं है, आगे दूसरे लोग भी। मेरा ये तर्जुमा इसका ये है कि इसमें देवता जो है इंद्रांगनी के बारे में जिक्र हो रहा है और इसका छंद जो है गायत्री है, जिसमें ये बोला जाता है कि वो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। घोड़े के ऊपर चढ़ने का मतलब ये हुआ सर कि जिसका आकार नहीं होगा वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता, आई थिंक आपकी नजर में जिसका बिना आकार हो वो घोड़े पे चढ़ जाए तो मुझे बता दो। अभी मैं नाम बदल लूं, एक मिनट चलो हाँ बता दो, कौन कौन घोड़े पे चढ़ा सर, आप पढ़ो ना आपके सामने है ना सर। नहीं मैं नहीं, तुम कह रहे हो ना घोड़े पे चढ़ने के लिए आकार चाहिए, तो घोड़े पे चढ़ने के लिए कौन चढ़ा भाई, वही पूछे घोड़े पे कौन चढ़ा, इंदिरा चढ़ा ना। हाँ इंदिरा, इंदिरा का संस्कृत के अंदर क्या ट्रांसलेशन है, ये कहां से अर्थ लिया इंदिरा घोड़े पे चढ़ा सर, ये अरबी नहीं है सर, से संस्कृत है सर, पढ़ो ना आप जहाँ पे देख रहे हो वहीं से कहाँ से लिया, क्या मैं लिया? संस्कृत हो मैं संस्कृत, इंदिरा संस्कृत के अंदर इंदिरा का क्या मतलब है बताओ, इंदिरा के पता है कितने मतलब हैं, इंदिरा के मल्टीपल मतलब है, इंदिरा सूरज को भी कहते हैं, तो सूरज घोड़े के ऊपर चढ़ता है, मैं बता रहा हूँ सर
नहीं बता रहा हूँ सर, इंदिरा वही बता, वही मैं कह रहा हूँ ना, इंदिरा सूरज के अंदर घोड़े को ऊपर चढ़ेगा वही, हाँ एग्जैक्टली, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब इंदिरा, इंदिरा से वादे करो, इंदिरा तो सूरज को कहते हैं, तो सूरज तो घोड़े को ऊपर नहीं चढ़ सकता सर, मतलब मतलब उसको वो कहते हैं तो मतलब वही चीज लिया जाएगा वहां पे, तो तुम निकालो ना संस्कृत के अंदर इंदिरा के क्या मतलब है, निकालो। अब इंग्लिश में एक, इंग्लिश में एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इंग्लिश नहीं, संस्कृत की बात हो रही है, आहा, आहा, आपको संस्कृत आती है ना, गजब, इंग्लिश मुझे आती है, इंग्लिश मैं बताऊं क्या है, आप संस्कृत बताएं, तो जब तो संस्कृत मैं बताऊंगा तो आप जान कैसे पाओगे कि वो सही बता रहा हूँ या गलत, मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, आप इंदिरा सूरज को कहते हैं नहीं कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, आपने यहाँ एक इंदिरा, आपने इंदिरा को ऐसा देवता, अभी अभी मैं देवते पे नहीं आया, अभी मैं देवता पे नहीं आया, अब फिर आप मुझे कहेंगे इसलिए आपको आर्य समाज पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी मूर्ति पूजा वो चलने नहीं देते, इंदिरा सूरज को कहते हैं, देवता के को 50 माने हैं, आपने कैसे यहां से एक शख्स ले लिया कि उसकी मूर्ति बना के पूजा करेंगे। चलिए ये फेल हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, काम करते दूसरा मंत्र लीजिए, चले हो गया हो गया, अब आपके साथ पूरे दिन तो नहीं बैठे रहेंगे ना, एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, ठीक है, इनकी पहली दलील फेल हो गई, अब दूसरी दलील के लिए आप अगले हफ्ते आइएगा दूसरी दलील लेकर, पहली दलील को आपने फेल मान लिया, ठीक है, तो आप देखें आज की जो डिबेट का खुलासा निकला वो ये कि अपने मंत्रों से आप मूर्ति पूजा साबित नहीं कर पाए हो, एक मंत्र से फेल मान लिया आपने, और हमारे ऊपर जो मूर्ति पूजा पूजा का आप इल्जाम लगा रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया गया है हमने, तो ये दोनों चीजें हो गई हैं, हिसाब बिल्कुल एकदम बेबाक रहा, अब आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है भाई कबीरा जी, बहुत शुक्रिया, आपकी भी सलामती इसी में है कि आप इस वक्त निकल ले वरना बहुत बुरी तरह फंसेंगे चले ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देखें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ उस गुण की बात कर रहे हैं जो अग्नि के अंदर पाई जाती है, टोटली डिफरेंट उस चीज को किया है कि उसकी रोशनी से या उनकी चीजों से, मगर इन्होंने मानना नहीं था तो मैंने इनको संस्कृत के वर्ड के ऊपर ही रखा कि आप बता, चलो मुझे नहीं आती जी हिंदी, मैंने कब कहा है कि मैं कोई त्रिवेदी या चतुर्वेदी हूँ, हाँ आगे आने वाले समय में क्या बन जाऊंगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तो अभी तो फारन मैं कुछ नहीं हूँ, तो भाई इतना ध्यान में रखे, बहुत शुक्रिया, आप चतुर्वेदी ये छत्रोल वेदी ना बन जाए आप गुड वन जी